बागपत के दोघट थाना क्षेत्र के दाहा गांव में एक स्कूल की दीवार गिर जाने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में दर्जनों छात्र घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। आनन फानन में मौके पर पहुंचे ग्रामीणों और पुलिस ने राहत बचाव काम शुरू किया। कैसे घटना हुई, कितने बच्चे घायल हुए? बच्चे तो 7-8 बच्चे घायल है। दीवार गिरी थी, दीवार गिरी, पानी पीने गए थे खाना खा के। अच्छा, खेल रहे थे वहाँ पे? क्या स्कूल में पढ़ रहे थे? अच्छा, स्कूल की दीवार गिरी है। अच्छा, अब कहाँ सोचना दिया आपने इसके लिए, डॉक्टर के लिए? एम्बुलेंस को फोन किया? हादसे में कई बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दाहा प्राथमिक विद्यालय के जो परिसर है उसके किनारे जो एक प्राइवेट बाउंड्री है उसके गिरने से घटना हुई है। इसमें छः से सात बचे सामान्य रूप से चोटिल हुए थे, जिनमें से 5 का प्राथमिक उपचार कर उन्हें घर भेज दिया गया है। 2 लोगों की अग्रिम चिकित्सा की जा रही है जिनकी हालत सामान्य है। लापरवाही क्या सामने आ रही है? लापरवाही नहीं, आबादी में स्कूल बना हुआ है और उसकी चौहद्दी पे जो बाउंड्री है प्राइवेट बाउंड्री, उसके कमजोरी के कारण वो गिरने समस्या हुई। तो हम लोगों ने लोगों से अभी अपील की है कि उन्हीं के बच्चे हैं, उस स्कूल में पढ़ते हैं, प्लस वहाँ के जो प्रधानाध्यापक थे उन्हें ससमय बताना चाहिए था कि ऐसी बाउंड्री है जो कभी भी गिर सकती है, तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। हादसे से गुस्साए ग्रामीणों ने जर्जर दीवार के बचे हुए हिस्से को भी गिरा डाला। स्कूल की दीवार काफी जर्जर थी और ग्रामीण काफी समय से किसी हादसे की आशंका जता रहे थे, लेकिन किसी ने नहीं सुना। बागपत से विवेक कौशिक की रिपोर्ट।